तो दोस्तों आजकल मुर्गियां जो हैं सुस्त हो रही हैं, जो अभी का सीजन चल रहा है, मुर्गियां सुस्त हो जाती हैं और कुछ दिन के बाद वो मर जाती हैं। तो शुरुआती के दौर पर ही अगर आप इलाज करते हैं, अगर सही इलाज होता है तो आपकी मुर्गी ठीक हो जाएगी। देखिए सबसे पहले अगर आपकी मुर्गी अगर पतली लैटरिंग कर रही है, या काले रंग की या वाइट रंग की लैटरिंग करेगी और सुस्त रहेगी, माथे का फूल जो है हल्का फीका हो जाएगा, साथ ही नहीं तो काला भी पड़ सकता है। तो ये इनके शुरुआती लक्षण होते हैं। बाद में ये काले कलगी काली ज़्यादा हो जाती है और ये दाना पीना भी छोड़ देती है, सुस्त हो जाती है पूरा। तो इसका सही इलाज जो है, आप जिंटामाइसिन की जो इंजेक्शन आता है वो दे सकते हैं। अगर आपकी मुर्गी 1 kg से 1.25 kg के बीच में है, 0.4 ml की इंजेक्शन दें। आपको 3 दिन देना है एक एक बार, और साथ में इन विटाविट NH जो दवाई आती है वो दें। और अगर लैटरिंग पतली है, तब यह देनी है। कौन सी? जो सल्फा डीमाइडीन की टैबलेट आती है वो दे सकते हैं अगर लैटरिंग पतली है। अगर नहीं, लैटरिंग नॉर्मल है तो आप ये सल्फा डीमाइडीन का यूज़ ना करें। और दोस्तों अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारी वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर कॉमेंट में जाकर अपनी मुर्गी की समस्याओं के बारे में बताएँ।